क्वेश्चन नंबर फोर्टी श्रीमती मोहन रानी एक दिल्ली में एक प्राइवेट कॉलेज में एम्प्लॉई हैं उन्होंने कॉलेज एक जनवरी 2018 को ज्वाइन किया तब उनका बेसिक सैलरी था सत्ताईस हज़ार रुपये उनकी सैलरी हमेशा हर साल बारह सौ रुपये से बढ़ेगी और तब तक बढ़ेगी जब तक उनकी सैलरी पैंतालीस हज़ार तक नहीं हो जाती ये उनका ग्रेड दिया हुआ है फिर बता रहा है कि पंद्रह पर मंथ उनको डियर एंस अलावेंस मिल रहा है सी उनको मिल रहा है दो पर मंथ उन्हें कम आ, उनके कॉलेज ने एक हाउस भी प्रोवाइड किया है जिसका ओनर कॉलेज नहीं है उन्होंने रेंट पे लेके दिया है और उसका रेंटल वैल्यू है छः हज़ार रुपये पर मंथ साथ में चौबीस हज़ार का फर्नीचर भी दिया गया है और उसके साथ ही कॉलेज ने उन्हें एक स्मॉल कार दिया है उनके कॉलेज वर्क के लिए और उनके प्राइवेट वर्क के लिए भी और उसके साथ ड्राइवर भी है और सारे खर्चे कम कॉलेज उठा रही है यानी कि जब एम्प्लॉयर देता है स्मॉल कार का तो अट्ठारह सौ रुपये और ड्राइवर का नौ सौ रुपये दोनों को जोड़ के बारह से इंटू कर देंगे तो कार की वैल्यू पता चल जाएगी फिर शी हैज़ प्रोवाइडेड विद द फैकल्टी ऑफ फैसिलिटी ऑफ गार्डनर वॉचमैन एंड सर्वेंट तो गार्डनर वॉचमैन और सर्वेंट भी उनको दिया गया है जिसके लिए कॉलेज पे कर रही है एक सौ पर मंथ दो बारह सौ पर मंथ और आठ सौ पर मंथ और श्री कंट्रीब्यूट टेन परसेंट ऑफ हर पे टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू वर्ड विच द कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूट आठ परसेंट तो हमको पता है बारह परसेंट ऑफ सैलरी तक एक्जैम्प होता है और यहाँ पे कह दिया गया आठ परसेंट यानी कि यहाँ पे आर पी एफ फुल्ली एग्जैम्ड होगा फिर श्री पेड एम्प्लॉयमेंट टैक्स वो पे कर रही है पाँच सौ रुपए फिर हम लोग को ये कहा गया है कि ये एज्यूम करना कि फर्स्ट डे को मंथ के फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी कि महीना खत्म होने के अगले दिन उनको सैलरी मिल रही है ये मान के हमको इसका कैलकुलेशन करना है उनके सैलरी का तो उन्होंने एक जनवरी 2018 को कॉलेज ज्वाइन किया तब उनका सैलरी था सत्ताईस हजार रुपए ये सत्रह अठारह ईयर हो गया अब अट्ठारह उन्नीस में उनका सैलरी बढ़ेगा एक जनवरी को बढ़ता लेकिन महीने के आखिरी में बढ़ता है बोला आखिरी महीने के नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को बढ़ता है यानी कि जनवरी का सैलरी उनको बढ़ के मिलेगा फरवरी में फरवरी में सैलरी बढ़ेगा इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फेब 2019 में उनका सैलरी बढ़ेगा और वो मिलेगा उनको अट्ठाईस हज़ार दो में बारह जोड़ देंगे तो आ जाएगा अब इसका सैलरी उन्नीस का सैलरी बढ़ के मिलेगा फरवरी दो में तो फरवरी दो में उनकी सैलरी बढ़ेगी तो उनको मिलेगा उनतीस हज़ार चार सौ रुपये यानी कि जनवरी में सॉरी अप्रैल से लेके जनवरी तक उनको पैसा सेम पैसा जो पहले मिल रहा था अट्ठाईस दो सौ मिलेगा और फरवरी और मार्च में उनको मिलेगा उनतीस हज़ार चार सौ ये उनका हमने ग्रेड कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी बेसिक सैलरी में uh, उन्हें अट्ठाईस हजार दो सौ मिल रहा है अप्रैल से लेकर पूरे जनवरी तक तो दस महीने का कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा टू लाख एटी टू थाउजेंड और ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड उनको दो महीने फरवरी और मार्च में बस मिल रहा है इसलिए दो महीने का कैलकुलेट किया के तो आ गया फिफ्टी दोनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा थ्री लाख फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड डियर पंद्रह हज़ार पर बारह महीने का निकालेंगे तो एक अस्सी हजार एक लाख अस्सी हज़ार आ जाएगा और सिटी कंपनसेशन था दो सौ रुपये पर मंथ तो यहाँ पे चौबीस सौ आ जाएगा रेंट फ्री हाउस इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोविंग इज टैक्सेबल एक्चुअल अमाउंट उनको छः हजार रुपये पे करना पड़ रहा है तो छः हज़ार इंटू बारह करेंगे तो आ जाएगा बहत्तर हज़ार रुपये और पंद्रह परसेंट ऑफ सैलरी करते हैं तो सैलरी का यहाँ पे फार्मूला होगा बेसिक प्लस डी ए स्पेशल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस तो यहाँ पे बेसिक सैलरी था तीन लाख चालीस हजार रुपये का और चौबीस सौ रुपये का सिटी कंपनसेशन था दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा थ्री लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड तो यहाँ पे थ्री लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड का पंद्रह परसेंट निकालेंगे तो आ जाएगा फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी इन दोनों में से छोटा है फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी तो ये टैक्सेबल हो जाएगा और फर्नीचर भी गया, दिया गया है चौबीस हजार का तो चौबीस हजार का हम टेन परसेंट निकालेंगे तो आ जाएगा चौबीस सौ तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा फिफ्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एटी जो हमारा टैक्सेबल आर एफ ए होगा तो यहाँ पे हाँ, रेंट फ्री हाउस में आ जाएगा फिफ्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी कार का यहाँ पे क्योंकि स्मॉल कार था इसलिए अट्ठारह सौ और नौ सौ रुपये ड्राइवर का दोनों को जोड़ के बारह से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड गार्डनर वॉचमैन और सर्वेंट गार्डनर का एक सौ पचास वॉचमैन का बारह सौ और सर्वेंट का आठ सौ सब जोड़ के बारह सेंटू कर देंगे तो आ जाएगा पच्चीस हज़ार आठ सौ कॉलेज कंट्रीब्यूट कर रहा था आरपीएफ में तो वो बारह परसेंट ऑफ सैलरी तक एग्जाम रहता है सिर्फ आठ परसेंट कर रहा था ये, इसलिए ये एग्जाम्ट हो गया सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा सिक्स लैख थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एटी जो ग्रॉस सैलरी होगा अब इसका डिडक्शन मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन स्टैंडर्ड डिडक्शन पचास का और एम्प्लॉयमेंट टैक्स का भी डिडक्शन मिलेगा पाँच सौ रुपए तो सिक्स लैख थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एटी में से फिफ्टी थाउजेंड और फाइव थाउज हंड्रेड माइनस करेंगे तो आ जाएगा फ़ाइव लैख एटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी जो हमारा टैक्सेबल सैलरी होगा और फोर्टी टू मिस्टर एक्स जो एम्प्लॉ है भरतपुर कंपनी में और वहाँ पे वहाँ की पॉपुलेशन है सात लाख और वहाँ पे उनको सैलरी मिल रहा है दस हज़ार पर मंथ सिटी कम्पनसेशन अलावें से एक लाख एक हज़ार पर मंथ बोनस उनको मिल रहा है आठ परसेंट ऑफ़ बेसिक सैलरी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पंद्रह परसेंट ऑफ सैलरी अन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और वो जो इक्वल अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय इम, भी मिस्टर एक्स भी पे कर रहे हैं रेंट रेंट फ्री एकोमोडेशन है उनको एक हाउस दिया गया है जिस क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बता दिया गया है मतलब वो हमको पॉपुलेशन के ऊपर कैलकुलेट करना है और साथ में उनको फर्नीचर दिया है अस्सी हज़ार रुपये का और उसका डेप्रोशन का वैल्यू बताया है लेकिन हमको इससे मतलब नहीं रहता हमको जो एक्चुअल अमाउंट रहता है कॉस्ट फर्नीचर का उसका हमको टेन uh, परसेंट निकालना होता है फिर एम्प्लॉयर uh, उनके मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे रहे हैं पंद्रह हज़ार का तो ये टैक्सेबल हो जाएगा साथ में गार्डनर और वॉचमैन उनको प्रोवाइड किया गया है जिसका एक हज़ार पर मंथ और आठ सौ रुपये पर मंथ सैलरी पे करना है कर रहा है ही इज ऑल्सो उनको एजुकेशन अलावेंस भी दिया गया है दो बच्चों के लिए चार सौ पचास पर मंथ पर ईच मतलब एक बच्चे का चार सौ पचास दिया जा रहा है तो सौ रुपए पर बच्चे का एग्जाम होगा उन्हें चार हज़ार प्रोफेशनल टैक्स भी दिया जा रहा है तो उनका सैलरी का कैलकुलेशन करना है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ऑफ टैक्सेबल सैलरी बेसिक सैलरी था दस हजार इंटू बारह करेंगे तो आ जाएगा एक लाख बीस हजार सिटी कंपनसेशन अलावेंस एक हजार इंटू बारह करेंगे तो आ जाएगा बारह हजार बोनस था लाख बीस हजार का आठ परसेंट तो आ जाएगा नौ हज़ार छः सौ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड आर पी एफ इम्प्लॉयर के लिए हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा सैलरी का और यहाँ पे इसका फार्मूला होता है बेसिक प्लस डी ए स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल तो यहाँ पे तो सिर्फ बेसिक ही दिया गया है इसलिए बेसिक का हम तीन परसेंट निकाल देंगे तो आ जाएगा तीन हज़ार छः सौ यहाँ पे तीन परसेंट इसलिए निकाला गया है क्योंकि बारह परसेंट ऑफ सैलरी तक एग्जैम्ट होता है और यहाँ पे पंद्रह परसेंट कहा गया था इसलिए तीन परसेंट रेंट फ्री अकोमोडेशन इसका कैलकुलेशन होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का फार्मूला होता है बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस बेसिक था एक लाख बीस हजार और यहाँ पे सिटी कंपनसेशन अलावेंस नौ हज़ार छः सौ था बोनस और आठ हजार चार सौ था एजुकेशन अलावेंस सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा एक लाख पचास हजार तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है जब यहाँ पे कहा गया था कि सात लाख है तो सात लाख मतलब दस लाख से कम अगर रहता है पॉपुलेशन तो सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ सैलरी यहाँ पे टैक्सेबल किया जाता है तो सैलरी हमारा है एक पचास एक पचास का सेवन पॉइंट फाइव परसेंट निकालेंगे तो आ जाएगा ग्यारह हजार दो सौ पचास यहाँ पे फर्नीचर दिया गया था अस्सी हज़ार का तो यहाँ पे टेन परसेंट ऑफ फर्नीचर प्लस करेंगे तो अस्सी हज़ार का टेन परसेंट आज आठ हज़ार आ जाएगा दोनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा उन्नीस हज़ार दो सौ पचास यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन में आ जाएगा उन्नीस हज़ार दो सौ पचास गिफ्ट ऑन मैरिज ऑफ मैरिज एनिवर्सरी आ जाएगा पंद्रह हजार रुपये गार्डनर और वॉचमैन का एक हज़ार और अट्ठारह आठ सौ रुपये को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा अठारह सौ और अठारह सौ का बारह महीने का निकालेंगे तो आ जाएगा इक्कीस हजार छः सौ एजुकेशन अलावेंस चार सौ पचास रुपये पर चाइल्ड था सौ रुपये एग्जाम होता है पर चाइल्ड का तो चार सौ पचास माइनस सौ करेंगे इंटू दो करेंगे क्योंकि दो बच्चे थे और इंटू बारह करेंगे तो आ जाएगा आठ हज़ार चार सौ इन सब का हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा टू लैक नाइन्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी टू लैख नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी इसमें डिडक्शन ये हमारा ग्रॉस सैलरी होगा इसमें डिडक्शन देंगे हम अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे पचास हजार का प्रोफेशनल टैक्स माइनस करेंगे चार हज़ार का तो आ जाएगा वन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी जो हमारा टैक्सीबल सैलरी होगा